पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह के बयान के बाद प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पूरी कांग्रेस को घेरे में लेकर कहा कि कांग्रेस आपस में ही तय कर ले कि सरकार किसने गिराई है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल भैया ने अपनी ही पार्टी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से मौन धारण करने को कहा है। इस पर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसते हुए कहा कि जानकर अच्छा लगा, हम कहते थे तो कांग्रेस को बुरा लगता था, अब तो कांग्रेस के ही साथी कमलनाथ जी से मौन धारण करने की गुजारिश करने लगे हैं। वहीं कमलनाथ के अटपटे ट्वीट ने भी चर्चाएं गर्म कर दी हैं। नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा, कांग्रेसी आपस में ही तय कर लें कि कांग्रेस की सरकार किसने गिराई है, पहले हम पर आरोप लगाए जाते थे, अब राहुल सिंह जी कह रहे हैं कि सरकार कमलनाथ जी की वजह से गिरी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के अचानक घर आने पर मिश्रा ने कहा, बीडी शर्मा जी हमारी पार्टी के अध्यक्ष हैं, हमारे नेता हैं, एक सहज मुलाकात थी, वे घर आए थे, हम भी उनके घर जाते हैं। कमलनाथ के ट्विटर के सुर बेसुरे हो गए हैं और वो उनके अपनों को भी पसंद नहीं आ रहे हैं। अब अजय सिंह जी ने उन्हें संयम बरतने की सलाह दी है। अभी तक मैं कहता था कि भाई आप जो मुद्दे उठा रहे हो ट्विटर पर ही राजनीति कर रहे हो, उनने कहा है कि इनके बोलने से ट्वीट करने से कांग्रेस को नुकसान होता है। उनका बोलना उन्होंने बिंद का अपमान बताया है, ये अच्छा नहीं है। उनकी अपनी है, अभी तक हम पे इल्जाम लगा रहे थे कि हमारे कारण से सरकार गिर गई। अब बताओ माननीय कमलनाथ जी अजय सिंह जी कह रहे हैं कि आपकी वजह से सरकार गिरी है, आप कांग्रेस के लोग आपस में बैठ के तय क्यों नहीं कर लेते हो कि किसकी वजह से सरकार गिरी है? आप जनता के बीच नहीं जा रहे कमलनाथ जी, कोई बात नहीं, अब कांग्रेसियों के बीच तो चले जाओ, इन लोगों को तो मना लो कम से कम। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।